बात उज्जैन की करते हैं, जहां 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आज समापन होगा और इस मौके पर पीएम मोदी भी उज्जैन में मौजूद होंगे। पीएम मोदी विचार महाकुंभ के सार्वभौम संदेश को दुनिया के सामने रखेंगे। इस मौके पर दुनिया के 5 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं देश के 4 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी बतौर अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समापन के मौके पर श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना विशेष अतिथि के रूप में यहां उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन करेंगी और आज विचार महाकुंभ में सम्यक जीवन पर वैचारिक सत्र होगा। तो पीएम मोदी अपने उज्जैन दौरे के दौरान ना तो शिप्रा नदी में स्नान करेंगे और ना ही महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। आपको ये बताते हैं कि 14 मई को पीएम का यह कार्यक्रम अब कैसा रहेगा। सबसे पहले पीएम मोदी दिल्ली से सुबह 9:05 पर रवाना होंगे। 10:30 वो हवाई मार्ग के जरिए इंदौर पहुंचेंगे। इसके बाद 10:55 पर इंदौर हवाई अड्डे से रवाना होंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए 11:20 पर उज्जैन के निनौरा हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से करीब 11:25 पर वो रवाना होकर फिर विचार कुंभ स्थल पहुंचेंगे, जहां तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 11:30 से दोपहर 12:30 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय विचार कुंभ में शामिल होंगे और विश्व के नाम सिंहस्थ के सार्वभौम अमृत संदेश को जारी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12:35 से लेकर 12:50 तक मेहमानों से मुलाकात करेंगे और दोपहर 1:05 के आसपास निनौरा से इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर दोपहर 1:30 पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।